बाबा आपका ख्याल है कि ये जंग कश्मीर की तहरीक आजादी पर अच्छा असर डाल सकी है? बेटा कश्मीर आजाद तो कश्मीरियों की जद्दोजहद से होगा। कश्मीरी तहरीक जहाद के लिए तैयार हैं, लेकिन शायद खुदावंद की तरफ से इशारा होना है। जो चीज हमारी है उसके लिए न लड़ना आइंदा नस्लों की तबाही है। हम अपनी चीज के लिए लड़ेंगे और अपने आने वाली नस्लों को गुलामी का नहीं आजादी का तोहफा देंगे। खाना तैयार है, आ जाओ। मैंने कहा सफिया के अब्बा, सुगरा आपा सफिया का रिश्ता मांग रही हैं। अरे पगली औरत, सफिया की कोई उम्र है शादी की? शादी की बात थोड़ा ही कर रही हैं, अभी तो सिर्फ रिश्ता मांग रही हैं। पगली, आजकल लोग छोटी उम्र में बच्चों की शादियां नहीं करते। शादी के वक्त मेरी उम्र याद है आपको? हाँ, अब वो जमाना नहीं रहा। लेकिन लड़का बहुत अच्छा है। लेकिन सफिया से बड़ा भी तो है, और फिर अभी मुझे कोई शौक नहीं है सुसर बनने का। मगर क्यों भाई, अभी तो मेरी उम्र हुई है शादी की। अच्छा, तो कर लेना दूसरी शादी। रही ना वही पगली की पगली, अरे तुम जैसी बीवी के होते हुए कौन काफर करेगा दूसरी शादी। अच्छा खाना खाए, इस कवाली पर जरूर जाना है। मैं पिछले साल जितनी मर्तबा कवाली हुई मैं हर मर्तबा जाता हूँ, और आपको तो याद है जहरू काकर तो वही डा गया था। अरे बाबा, मेरा तो अपना दिल मचल रहा था, जी चाहता था कि उठकर झूमना शुरू कर दूं। मैं ईमान ताजा हो जाता उसकी कवाली से, क्या कहें। कवाल भी तो इस जैसा पूरे इंडिया में नहीं। इसको ऐसा करते हैं कि बच्चों को भी ले चलते हैं। क्यों नहीं, क्यों नहीं, नहीं?
मेरे बेटे दूर मत जाना। बेटे क्या हुआ बेटा? उरेरा ये क्या किया तुमने? मैंने जो कहा था कि औजारों के साथ नहीं खेलना। देखो कितनी चोट लग गई बेटे। बाबा इस दफा बर्फ जल्दी नहीं पिघल गई? हाँ बेटी, न जाने क्या हो गया है मौसम को। इब्राहिम कह रहा था कि कारखानों के धुएं से फिजा खराब और गर्म हो रही है। सर्दियाँ भी खत्म हो रही हैं और इस मौसम में सांप भी बहुत निकलते हैं। मुझे तो हुरैरा की बहुत फिक्र लगी हुई है। सुबह से अपने बाप के साथ गया, अभी तक वापस नहीं आया। अरे पगली, सिर्फ तुम्हारा बेटा तो बाहर नहीं, मेरा बेटा भी तो बाहर है। उरेरा बेटे, ओ भाई ये पट्टी मत खोलना। बाबा देखो देखो मेरी उंगली ठीक आ गई है। अरे उरेरा, मैंने तुम्हें कहा था ना कि अगर तुम अच्छे बच्चे बनोगे तो तुम्हारी उंगली जल्द ठीक हो जाएगी। बाबा ये क्या, इतने सारे परिंदे कहाँ जा रहे हैं? बेटे ये अपने घोंसलों में जा रहे हैं, वहां इनके बच्चे होंगे जो इन्हें देखकर बहुत खुश होंगे। पापा ये अपने घरों में कैसे सोते हैं? अरे बेटा जैसे हम सोते हैं। पापा आज मैं आपके साथ सोऊंगा। देखो तुम तो अब इतने बड़े हो गए हो। नहीं ना बाबा, खैर है ना। अच्छा ठीक है। Thank you.
लाला, काकू लाला। जानता हूं मैं, वो बहुत जालिम लोग है काकू लाला, उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। जुबैदा, हकीकत यह है कि हमीद मुझे कभी अच्छा नहीं लगा और अब भी अच्छा नहीं लगता, और सच तो यह है कि वो तुम्हारे लायक ही नहीं है। काकू लाला, मैं बहुत मजबूर होकर तुम्हारे पास आई हूँ। अब आ ही गई हो तो बैठो, खाना वाना खाओ, चाय पियो। काकू लाला, मैं बहुत मुसीबत में हूँ, ये आर्मी वाले इंसान को इंसान ही नहीं समझते, अल्लाह न करे वो कहीं मेरे हमीदुल्ला को। तुम आज ऐसा करो जुबैदा, आज यहीं रह जाओ मेरे पास, मुझे तुमसे कुछ अपनी बातें भी करनी है, तुम्हारा भी गम हल्का हो जाएगा। सुबह मैं खुद आर्मी वालों से बात कर लूंगा। काकू लाला, खुदा का वास्ता। खुदा का वास्ता क्यों देती हो जुबैदा, काकू लाला के लिए तो तुम्हारा वास्ता काफी है। काकू, गुस्सा नहीं करना जुबैदा, गुस्सा नहीं करना। गुस्सा करना है तो जाओ, घर जाओ, जब गुस्सा ठंडा हो जा तो फिर जाओ, जाओ 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 कहता है। रात बहुत हो गई है, अब वो कुछ नहीं कर सकते। सबको पता है मिर्जा कहाँ है, किसके पास है। फिलहाल वहां जाना उनके ख्याल में आर्मी को गुस्सा दिला सकता है। कल सुबह मेरे साथ जाएंगे और इंशाल्लाह मैं बेटे को साथ ले आऊंगा। देखो तुम तो अब इतने बड़े हो गए हो। नहीं ना बाबा, खैर है ना। बच्चे पैदा करना जानते हो तो इनको पालना भी सीखो। दे दूं इसे पहिए के नीचे। गलती हो गया, गलती का बच्चा। मैं नहीं, कोई और मर गया है। अरे कौन मर गया है रफीले? अमीदुल्ला का सुना है आपने? अरे क्यों, क्या हुआ? उसकी बीवी फिर आ गई क्या?
काकू लाला, अब तो वो इधर ही आएगी, अब उसके पास कोई जाने के लिए जगह जो नहीं है। अरे ठहर जा पीले, मैं नीचे आता हूँ, ठहर जा। अरे पीले, अरे शाश्वत क्या बोलता है? हमीदुल्ला मर गया है। अच्छा, अरे वो तो पकड़ा गया था ना? काकू लाला, आर्मी वालों ने मार दिया है। हाय 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 हाय, अरे ये तो बड़े अफसोस की बात है। क्यों काकू लाला, उसने तो इलेक्शन में लहरासम खान का साथ दिया था, अच्छा हुआ। अरे अमरू, अरे तू मत बोला कर, अरे तेरे सर में तो फोक भरी है। काकू लाला, हमें उसकी मौत से फायदा उठाना चाहिए। हाँ, अरे ये की है ना पीले, अकल की बात। शादी की? अच्छा, तो कर लेना दूसरी शादी। भी नहीं है बेटा, तुम्हें क्यों डर लग रहा है? मुझे डर लग रहा है। डरते नहीं है मेरे बच्चे, सो जाओ। चाचा ये लो, इस कागज को जरा अच्छी तरह से पढ़ लो। बेटा कैसे कागज ये? असल में चाचा, वो हमीदुल्ला ने मुझसे कुछ रकम कर्जे में ली थी। अब ठीक है, आपका अपना गम भी है, मैं ना आता, लेकिन क्या करूं, मुझे पैसे की सख्त जरूरत थी। हमीदुल्ला ने रकम किस लिए दी थी? असल में मौत से चंद दिन पहले हमीदुल्ला को रकम की सख्त जरूरत पेश आ गई थी। वो तो जमीन बेचना चाहते थे, लेकिन मैंने मुनासिब नहीं समझा। उन्होंने जमीन गिरवी लिख दी और मैंने समझा कि चलो यही काफी है। मुझे तुझको बात नहीं की। अरे आपको क्यों बताता? मुझे तो लगता है कि वो किसी ऐसे चक्कर में फंस गया था कि कुछ लेने देने के बगैर काम नहीं होता था। बस मुझे तो इतना ही मालूम है चाचा। देखो काकू, मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ, तुम सारी दुनिया से जालसाजी कर लो, मगर मैं तुम्हें ढेला नहीं दूंगा। कमाल है,
हम इतनी देर से शराफत से बात कर रहे हैं और आप हैं कि शराफत की जबान समझते ही नहीं है। वाह भाई वाह, बेटा लोगों से कर्जे लेता फिरे और बाप देने से इनकारी। मेरे बेटे ने कोई पैसे किसी से नहीं लिए। मैं तुम्हारे जाली कागज और तुम पर लानत भेजता हूँ। वाह भाई वाह, पहले तो मैंने सोचा था कि आपको कुछ मोहलत दूंगा, लेकिन अब नहीं छोड़ूंगा मैं। अच्छा ठीक है चाचा, ठीक है। अरे काकू लाला को उंगली टेढ़ी करनी भी आती है, पी ले। मेरी तो रात की नींद हराम हो गई है। अरे मेजर साहब, ऐसी भी परेशानी वाली क्या बात है? क्या बताऊं काकू लाला, तेरे बिन किसी और से कह भी नहीं सकता। अरे मेजर साहब, मैं समझ तो गया हूँ, लेकिन आपके मुंह से सुनूंगा ना तो जरा मजा आएगा। क्या समझ गए आप? हमीदुल्ला की बात कर रहे हैं ना। मुझे भगवान की सौगन है, मैंने जान के उसकी हत्या नहीं की। अरे उस बेगैरत को तो तुम्हारे बूट की एक एड़ी ही ले गई, वो भी बिल्कुल हादसाती तौर पर। अरे तो इतना डर क्यों रहे हैं? उसका बाप लहरा सब खान के साथ मिलकर कुछ कर रहा है। अरे इतने महान अफसर हैं आप, गिग्गी बंधी हुई है, डरे जा रहे हैं। मेरा कोर्ट मार्शल हो सकता है। तो फिर हुक्म करे ना, हमीदुल्ला के बाप को समझा दूं। प्लीज। लेकिन मैं जरा अपने तरीके से समझाऊंगा। ये आपका बहुत एहसान होगा मेरे ऊपर। मैं कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन मुफ्त में काम बिल्कुल नहीं करवाऊंगा। ले, अरे भाग के जाना, मेजर साहब आए आपने, इनके लिए कोई नून चाय लेके आ, अरे कोई कुलचा लेके आ पी लू। अभी रहा है काकू लाला। रशीद बेटे, बेटा तो रशीद। बाबा बाहर देखो क्या आवाजें आ रही।
खुद भी खा लेना और बच्चों को भी खिला देना। ये कौन सी जगह है? बताने वाला खुद ही बता देगा। और मेरे बाकी बच्चे? सब मारे गए। रानू की यह जगह अभी तक लोगों की तवज्जो नहीं ले सकी, हालांकि मैंने खुद एक अंग्रेज की लिखी हुई किताब में इस खंडर का जिक्र देखा। वो देखो, ओहो, ये तो बिल्कुल ही खत्म है। एक तो हमारे लोग भी क्या लोग हैं, इस जैसी तारीखी इमारतों पर ना तो रिसर्च करते हैं और ना ही इनकी हिफाजत करते हैं। ये तो मुझे कुछ सिखों के जमाने से भी पहले की इमारत लगती है। अच्छा, मुझे कुछ खास पता नहीं मगर इतनी पुरानी नहीं लगती। नहीं, मेरा ख्याल है कि ये प्रिंस रंचन से भी पहले की कोई इमारत है। मुझे तो ये श्राइन सा लगता है भाई। अरे ये बच्चा, इतनी ठंड में ये बच्चा कौन हो सकता है? मुझे तो ये कोई घर से भागा हुआ लग रहा है। कहीं से इसने रोटी ली है और इधर छुप के डर के मारे आके सो गया बेचारा। इसकी माँ कितनी परेशान होगी। इसे तो बहुत तेज बुखार लगता है बेटा। हाय भगवान, किसके जिगर का टुकड़ा होगा। बेटे बेटे, तुम्हें भूख लगी है? बेटे डरो मत, हम कुछ नहीं करेंगे। अपना नाम बताओ। शाबाश, ये बहुत अच्छा बच्चा है। बताओ बेटे, तुम्हारा घर कहाँ है? क्या नाम है? बोलो, हम तुम्हें घर ले जाएंगे। हाँ, खाना भी देंगे। बोलो, खाना क्यों नहीं खाया? देखो, गुजरी हुई बातों का गम मत करो। गुजरी हुई बातों का गम करोगी तो तुम्हारा ये हुस्न मान पड़ जाएगा। तुम्हारी सबसे बड़ी दौलत तुम्हारा शोर नहीं, तुम्हारा ये हुस्न है। काकू लाला, उन लोगों ने खाना नहीं खाया। तुम मुझे क्या कह रहे हो? काकू लाला, आपसे कहना मेरा फर्ज था। ज्यादा बकबक की जरूरत नहीं है, अपने काम से काम रखो। काकू लाला, उसने खाना मेरे मुंह पे मारा। 3 दिन तक भूखा प्यासा रखो, खुद ही सब ठीक हो जाएगा।
बुखार तो काफी कम हो गया है, मैं आपको कुछ दवाइयां लिख देता हूं। पर जहां तक इसकी याददाश्त का तालुक है, मेरे ख्याल में इसके दिमाग का एक हिस्सा मुकम्मल तौर पर बंद हो गया है। ये एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज मुमकिन जरूर है लेकिन आसान नहीं। हाँ, इस सूरत में मैं आपकी कुछ ना कुछ मदद कर सकता हूं कि कोई ऐसा बंदा मिल जाए जो ये बता सके कि इसके साथ क्या वाकया पेश आया है। कि देखें, इसे इतना सदमा पहुंचा कि ये अपनी याददाश्त खो चुका। दास साहब, इसकी कहानी तो इसके खानदान वाले या माँ बाप ही बता सकते हैं। बहरहाल बेहतर यही होगा कि आप इसे पुलिस की तहवील में दे दें या किसी यतीम खाने में छोड़ दें। डॉक्टर साहब, आप कैसी बात कर रहे हैं? आपको तो पता है आजकल के यतीम खाने किस तरह के होते हैं। ये मैं सिर्फ आपको एक मशवरा दे रहा हूँ। यकीन जाने मेरा भी दिल चाहता है कि ये अपनों से मिले और इसकी याददाश्त लौटाए। डॉक्टर साहब, हम तो आगरा से आए हैं और दो चार रोज में चले जाएंगे। ये मैं कुछ दवाइयाँ लिख देता हूँ। अभी पानी लाती हूँ। मेरी बच्ची मैं लाती हूँ, अभी पानी लाती हूँ, अभी लाती हूँ मेरी बच्चे, अभी लाती हूँ। आंखें तो खोलो, मुझे क्या हो रहा है? अल्लाह, अच्छा मेरा बच्चा, अभी लाती हूँ, अभी लाती हूँ बेटा, अभी लाती हूँ, अभी लाती हूँ बेटे, अभी लाती हूँ। दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, खुदा के लिए दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो जालिमो, खुदा के लिए दरवाजा खोलो। मेरी बेटी को प्यास लगी है, उसे पानी दे दो, दो घूट पानी। Oh.
भगवान, किसके जिगर का टुकड़ा होगा। बेटे बेटे तुम्हें भूख लगी है? दरवाजा खोलो जालिमो, खुदा के लिए दरवाजा खोलो। मेरी बेटी को प्यास लगी है, मुझे पानी दे दो, दो घूंट पानी दे दो। मेरी बच्ची को पानी दे दो, दरवाजा खोलो खुदा के लिए, दरवाजा खोलो खुदा के लिए दरवाजा। क्या बात है जुबैदा, कोई तकलीफ तो नहीं? मेरी बेटी को पानी पिला दो। ओहो, पानी की क्या बात है, ये मेरे आदमी बड़े ही बेगैरत हैं। भले मेहमानों का भी कोई पानी बंद करता है, वो भी खवातीन मेहमानों का। खुदा के लिए मेरी बेटी को पानी पिला दो। बेकार क्यों करती हो, सारी बेटियों को तो हम अपनी आँखों का पानी देंगे, लेकिन बदले में हमें क्या मिलेगा? खुदा के लिए तो पानी पिला दो मेरी बेटी को। और बदले में हमें अपनी आँखों का शरबत नहीं पिलाओगी? खुदा के कहर से डरो काकू, मत आवाज तो अल्लाह के अज़ाब को। कहर से डराती हो, कहर से डराती हो? जुबैदा बेगम, कहर तो गुजर भी गया। तुम्हारा बेगैरत शौहर फौज के हाथों मारा गया और बाकी का खानदान डाकुओं के हाथों। तुम्हें तो मैंने बड़ी मुश्किल से बचाया है अपने लिए। कहर से डरो, डरो उधर के कहर से। तो ठीक है फिर, सड़ती रहो यहीं पे। हाँ, अल्लाह। फ्रैंकली डॉक्टर साहब, मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा। एक ख्याल तो ये है कि आप इसे यहीं छोड़ जाएं। देखें, यहां इसके मां बाप जरूर होंगे, कोई ना कोई तो मिल ही जाएगा। अगर आप इसे कश्मीर से बाहर ले जाएंगी तो इसके अपने रिश्तेदारों का मिलना नामुमकिन हो जाएगा। और दूसरी बात यह है कि अगर ये लावारिस हुआ तो। देखें डॉक्टर साहब, हमने अखबार में भी दिया है, बहुत सी जगहों से पता भी किया है, लेकिन अभी तक कुछ पता नहीं चला और पुलिस भी कुछ नहीं कर रही। कैलाश हमें भगवान की तरफ से मिला है और हमारी जिम्मेवारी है कि जब तक ये अकेला है हम इसका ख्याल रखें। हम इसे आगरा ले जाएंगे और जो ही आपको कुछ पता चले आप हमें कांटेक्ट कर लें। वैसे मैं आपको अब भी कहूंगा कि आप इसे यतीम खाने में डाल दें। छोड़ें डॉक्टर साहब, यतीम खाने में तो इसकी जिंदगी तबाह हो जाएगी। डॉक्टर साहब, यहाँ गुमशुदा बच्चों के लिए कोई तंजीम तो जरूर होगी। छोड़ें लाल, आप भी। आराम से। मैं खुद भी छोटी छोटी चोरियों से तंग आ गया था। फिले, मैं हैरान हूं कि हमीदुल्ला के घर से सोना क्यों नहीं मिला। और ये इतना बढ़िया सोना जो मिला है। बड़ी बेटी तो इसकी अच्छे पैसे दे जाएगी।
अरे लाला, मैं तो कहता हूँ कि बीवी भी कुछ कम नहीं है। मैं सुबह से सोच रहा हूं कि इसका सौदा ना ही कर। अरे तुम्हारे लिए कोई कमी है? तुम्हारे सामने तो बादशाह की बेटी भी इनकार न करे। नहीं पीले, ये तो मुझे अड़ियल सी दिखती है। अरे लाला, ये दूर से सब इसी तरह दिखती हैं। आप जरा करीब जाए तो देखे ना। हाँ, मैं खुद भी दो तीन दिन देखना चाहता हूं। पीले, जब फल को पकने का टाइम दे दिया जाए ना, तो खुद बखुद से झोली में आ गिरता है। पीले, जरा जोर जोर से ना। अभी ठीक हो जाएगा मेरा बेटे, अभी ठीक हो जाएगा मेरा बच्चा। या अल्लाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अय्युहल मुज़म्मिल कुमिल्लैलैला कलीलन निसु अमिन कुस्मिन कुकली नौजिर तिलाह वरत तिरुन क्रां तिरती एक चम्मच और। नहीं, मेरा प्लीज प्लीज बेटे, एक चम्मच और। अच्छा चलो, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ। एक थी तो एक थी एक लड़की, उसका नाम था स्नो वाइट। हैं, वो सात बोनों के साथ रहती थी। और आपको पता है वो क्यों बोने थे? क्योंकि वो खाना नहीं खाते थे, छोटे छोटे से रह गए थे। तो तुम खाना नहीं खाओगे तो फिर बोने बन जाओगे। हैं, एक चम्मच ले लो प्लीज। शाबाश। उसे साथ ले जाएंगे बस। कैसे पराए बच्चे को साथ ले जाएं? इसके दोस्त अहबाब रिश्तेदार मिलेंगे तो हमारे ऊपर मुकदमा कर देंगे। मुकदमे की क्या बात है, हमने मैजिस्ट्रेट से इसकी लीगल कस्टडी ले ली है। हैरत है, किसी भी थाने में इस बच्चे की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज नहीं है, लेकिन कोई ना कोई तो इसका जरूर यहाँ होगा। आखिर इतना अरसा कहाँ रहा है? एक बात मेरे जहन में आती है, हो सकता है ये कहीं मुलाजिम हो और उनके जुल्म से भाग गया हो, या किसी बुर्दा फरोश के हाथ लग गया हो और वहां से भाग गया हो। उसकी याददाश्त कैसे खो गई? लाल जी प्लीज, मैं इस बच्चे को रखना चाहती हूँ। हाँ भूख लगे मेरी बेटी, मैं लाती हूँ तुम्हारे लिए खाना।
मुझे काकू लाला से मिलना है। आ गई हो। अपने आदमी से कब बाहर चला जाए? और तुम क्या कर रहे हो यहां? चलो शक्ल मुंह करो अपनी। फरमाइए, फिर क्या फैसला किया हमारी तकदीर का? मेरी बेटी को खाना दे दो। हा, 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 हा। अरे तुम्हारी बेटी के लिए तो हम सारे जहान की नेमतें हाजिर कर सकते हैं, लेकिन लेकिन क्या? लेकिन का मतलब तुम भी अच्छी तरह जानती हो और मैं भी। मेरी बेटी को खाना दे दो। पीले 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 पीले
आराम से। धनी राम चीजें निकाल। ठीक है चल मैम। सुबैदा मैं कितना खुशकिस्मत हूं, देखो ना कितनी अजीब बात है, मैं जो भी ख्वाहिश करता हूं पूरी हो जाती है। मैंने ना पहली बार जब तुम्हें देखा था तो एक ही ख्याल मेरे दिल में आया था कि फिर छोड़ो, आज ये बता दो कि तुम्हारी सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है। अरे कुछ तो कहो ना। बेटी को तो छोड़ दोगे ना? हाँ और तुम्हें? बेशक मुझे मार देना। तुम्हें मार के मुझे क्या मिलेगा है? और तेरी बेटी को जो छोड़ दूंगा तो क्या करेगी वो? दर दर की ठोकरें खाएगी, भीख मांगेगी या फिर? खैर छोड़ो, ये बताओ काकू। फिर गुस्सा लाल। तुम्हें याद है जब मैं खिलौने खरीदा करती थी और तुम मुझे मना करते थे? लेकिन मुझे पूरा विश्वास था कि भगवान ने मेरे नसीब में एक बच्चा रखा है। Yeah.
सफिया in. नमस्ते. नमस्कार. प्लीज बैठिए. मैं पार्वती अग्रवाल हूँ. हाँ हाँ, एक समय पहले आपसे ही फोन पे बात हुई थी. जी बिल्कुल. तो ये है आपका बेटा. जी. क्या नाम है? कैलाश. कैलाश अग्रवाल. कैलाश, गुड बॉय. देखें, हम एक क्लास में 20 से ज्यादा बच्चे नहीं रखते. इस वक्त क्लास 1 में एक सीट खाली है, वो भी एक बच्चा जा रहा है. मैं उसकी जगह इसको रख लेती हूँ. अच्छा, मैं तो सोच रही थी कि अगर क्लास 2 में इसे एडमिट कर लें. आपको मैंने मजबूरी बता तो दी है. चलें फिर क्लास 1 में ही सही, लेकिन जैसे क्लास 2 में जगह हो तो. मैं कोई वचन तो नहीं दे सकती, वैसे इस बच्चे की अपनी काबिलियत के ऊपर भी है. आप ये फॉर्म रख लें, इसको फिल करके आप मुझे दे दीजिए. ठीक है जी. कैलाश अग्रवाल. देखा, तुम तो खाना खाए बगैर 2 दिन नहीं रह सके, और हमने सारी जिंदगी गुजार दी तुम्हारे बगैर. अरे अब तो गुस्सा थूक दे. अरे कैसी जालिम माँ है तू. एक बेटी को तो तूने अपनी आन की भेंट चढ़ा दिया, और अब दूसरी को भी अपनी जिद की खातिर मारने लगी थी. अरे अपना नहीं तो कम से कम अपनी बेटी पे तरस खा. हम्म, हम्म, अरे कुछ हाँ ना तो कर जालिम औरत. मुझे मरने क्यों नहीं देते? फिर गलत सलत बातें हैं? अरे मैं कहता हूं जुबैदा, जिद छोड़ दे. अच्छा चलो, मैं वादा करता हूं कि तुम्हारी बेटी तुम्हारे साथ रहेगी. मैं कुछ भी नहीं कहूंगा. चलो भाई, अब इन्हें कोई अच्छा सा खाना खिलाओ. हैं? पीले पीले हेलो, कहाँ मर गया? अरे तू क्या मेरा मुंह तके जा रहा है खड़े खड़े? आए, सुन नहीं रहा मैं क्या कह रहा हूं? अरे इसमें पता नहीं अंग्रेज नल का पानी भर देते होंगे. और हम समझते हैं इसे अमृत धारा. अमरू मेरा नाम किसी से ना ले, तुम्हारा एक बेटा बच गया है, बस अब हिम्मत बांध, गम ना कर. Thank you.
अरे पी ले, अरे नोट गिन लिए क्या? काकू लाला, पैसे काहे को गिनता है? हमारे काम में बेईमानी चलती है क्या? अरे लाला जी, काकू लाला माल भी खरा देता है और दाम भी खरे ही लेता है। हाँ। अरे काकू लाला, तेरे को तब मानू जो पार्वती को उठा के ले आओ। पार्वती कौन? वो डांसर? अरे चूहे, पार्वती के दाम चुका देगा। पीले, अरे पार्वती मांगता है। मुंह मांगे दाम दूंगा, हजमा के देख लो। हाँ, मैंने आजमाया ना तो फूक निकल जाएगी लाला जी। अरे हंसता है रे पीलू, हंसता है लाला। अरे अमरू, अरे हंसता है, अरे हंसता है। लगना मोरे मन के बलम नहीं जाने, बलम नहीं जाने, सजन नहीं जाने। लगना मोरे, अरे पीले, लाज की मारी वो तो मुझसे न बोलो, मुझसे न बोलो पीले। लगना मोरे मन के बलम नहीं जाने, अरे अमरू, बलम नहीं जाने, सजन नहीं जाने। लगना मोरे मन के बलम नहीं जाने। काकू लाला, इतनी सुर्खी पहले आपके चेहरे पर मैंने कभी नहीं देखी। अरे पीले, आज हमने अपनी कसम पूरी की है। लगता है गर्दन से कोई बोझ उतर गया है। काकू लाला, इस इलाके में कोई आपको नाराज करने की आइंदा जुरत नहीं करेगा। अरे हाँ, वो मेजर रामलाल अभी तक रकम लेकर नहीं आया। खैर, आ जाएगा। इतना क्या कम है कि आज के बाद वो हमारा दस्ते नगर हो गया है। और काकू लाला, आपने तो अपने दुश्मन हमीदुल्ला के सारे खानदान को फारिग कर दिए। खबरदार, आइंदा ये नहीं कहना। अरे तेरा मुंह बहुत बड़ा हो गया है, इसके लिए एक ढक्कन न बनवा दूं। अरे पीले, मैंने खत्म किया है क्या? भाई, उन्हें तो आरपी और डाकू ने फारक किया है। हाँ, ये हुई ना पते की बात। अरे समझ अमरू। अरे शाबाश पीले, शाबाश।
बेटा ये नहीं कहना। अरे तेरा मुंह बहुत बड़ा होगा, इसके लिए एक ढक्कन न बनवा दूं। अरे पीले, मैंने खत्म किया है क्या भाई? उन्हें तो आरबी और डाकू ने फारक किया है। हाँ, ये हुई ना पते की बात। अरे समझ अमरू। अरे शाबाश पीले, शाबाश। कैलाश कहाँ जा सकते हैं? कैलाश क्या हुआ कैलाश को? वो अपने कमरे में नहीं है भगवान। Thank you.
चावल लगाई जी जब मैं बई और कोनो में नरगिस भी छिड़क आई किसके पास है चावल किसके पास है जल्दी लो नीचे आए नीचे आए स्वागत है स्वागत है अभी खाना लाए और बाथरूम में खुशबू वाला साबुन और साफ तौलिया रख देना जमुना भाई कितनी मरपोक हूँ आपसे रख तो आई थी सुबह से देखो खुद भी खाना खा लेना और बच्चे को भी खिला देना फिर खूब आराम करना किसी काम की जल्दी ना है वैसे अपना नाम तो बता दो सुभेदा और बच्ची का सफिया कौन सी जगह है खुद भी खाना खा लेना और बच्चे को भी खिला देना फिर खूब आराम करना किसी काम की जल्दी ना है वैसे अपना नाम तो बता दो सुभेदा और बच्ची का सफिया ये कौन सी जगह है अरे चिंता काहे को करती हो कुछ दिन आराम करो जल्दी काम सीख जाओगी ये मर्द की दुनिया है क्या मर्दों की तरह रहना पड़ता है यार आप पुलिस वालों को भगवान ही समझे मैं बाबूलाल अग्रवाल आर्कियोलॉजिस्ट बोल रहा हूँ मैं डीसीपी किशन कुमार का दोस्त हूँ यार कहाँ है वो तो अभी बाहर निकल गए यार मैं कुछ 15-20 फोन तो कर चुका हूँ मैंने कोई नौकरी की दरखास्त नहीं देनी भाई मेरा बच्चा गुम है मैंने उसकी बात करनी है अब आएंगे तो मैं बता दूंगा प्लीज जमुना भाई
पहले ही घर का किराया मैं अदा करता हूँ, फिर अब हर महीने कोई ना कोई नई फरमाइश लेकर आ जाती। अच्छा बड़ा सूत्रिज है आप लोगों के पास, फिर दूसरे फ्रिज की क्या जरूरत? अरे सेठ साहब, मैं आपको तंग थोड़ी करती हूँ, वह जिसको आप फ्रिज बोलते हो ना, उसमें मेरी लड़कियों ने अपने कपड़े रख लिए हैं। बर्फ तो क्या, वो तो पानी भी ठंडा नहीं करता। रात का सालन रखो, सुबह सारे घर में बदबू फैल जाती। अपनी कहे जा रही हो, कुछ हमारे काम का किया है या के नहीं? सेठ साहब, मैं आपको फ्रिज के लिए थोड़ी बुलाया, वो तो बात से बात बनी, मतलब मैं तो आपको आपके काम से ही बुलाती हूँ। तो बोलो ना। सेठ साहब, एक लड़की आई है कश्मीर से, क्या उसकी खूबसूरती की तारीफ करूं, देखने और बोलने में बड़ा अंतर है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, थैंक यू। किसका फोन था? वो कैलाश मिल गया है। कहाँ है वो? चलो मैं। बहन जी फिकर ना ही करें, नहा धो ले, कपड़े बदल ले, भगवान सब अच्छा करेगा। आप लोग इसके माता पिता हैं? जी डॉक्टर साहब। इसको हमारे पास आए 5-6 घंटे हो गए, आप बाबा हैं। बस वो कैसा है आप ये? हमारे पास जो इसे जी एक साइकिल रिक्शे वाला लाया, इसका एक्सीडेंट हो गया था, जब से ये आया अनकॉन्शियस है, तो हमने एक्सरे वगैरह कराए हैं, वो तो ठीक है। कोई इंजरी वगैरह या कोई सीरियस समथिंग? बात यह है कि जब तक ये होश में नहीं आ जाता कुछ कहा नहीं जा सकता। कैलाश, कैलाश बेटे, कैलाश, लाल हम इसे वार्ड में नहीं रखेंगे, प्राइवेट कमरे का बंदोबस्त करो। कैलाश, सुप्रिया तेरे को खाने में क्या चीज अच्छी लगती है? कुछ नहीं। अरे तेरे को खाने में कोई चीज अच्छी नहीं लगती? नहीं। दिन बड़े अच्छे लगते हैं। आइसक्रीम? हाँ मैं समझ गई, तुम्हें आइसक्रीम अच्छी लगती है, नीचे कुल्फी मलाई वाला आता है, चलो उससे आइसक्रीम खाते हैं। आप कहे ना इससे, कब तक कमरे में बैठी रहेगी? अच्छा चलो मैं तुम्हें अपने कमरे में ले चलती हूँ, मैंने एक तोता पाला है, वो बहुत प्यारी प्यारी बातें करता है और लड़कियों से कहता है आई लव यू, और पता है आदमियों को कहता है चोर के बच्चे। ये हुई ना बात, चलो मेरे साथ। मिठू, मेरा नाम क्या है? मेरा नाम क्या है?
लाल 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 कैलाश होश में है, जल्दी आओ बेटा बेटा। डॉक्टर साहब बच्चे को होश आ गया है। कैलाश शाबाश, आंटी खोलो बेटा आंखें खोलो, देखो वो तुम्हारी अम्मी है। कैलाश मेरे बच्चे, ये तो मेरी मिमी। अपना नाम बताओ बेटा, क्या नाम है तुम्हारा? बेटे दास साहब को अपना नाम बताओ। कैलाश अग्रवाल बोलो। हुरेरा हुरेरा अम्मात अबू हुरेरा। बेटा आंखें बंद नहीं करनी आपने, सुना नहीं है आपने? बेटा आंखें खोलो। ओह माय गॉड, ये फिर भी होश हो रहा है। मैं डॉक्टर प्रकाश शुक्ला। जी आपको पता है सेठ साहब हमारे अपने ही आदमी हैं, और छोटी मोटी गलती तो सभी से हो जाती है। अरे चमना भाई से छोटी मोटी गलती मत समझा, ये तो भगवान की दया से सेठ साहब बच गए, वरना ये सीधा सीधा कत्ल का केस था। इंस्पेक्टर जी आप ही हमारे अपने ही आदमी हैं, और आपके होते हुए मैं तो कोई चिंता नहीं कर सकती। वो तो ठीक है, लेकिन जब भी दुख दो तो तुम्हारे पास अगवा कराइए, आखिर हम लोगों ने भी कितना किसी को जवाब देना होता है। कैसी बातें करते हैं इंस्पेक्टर जी, एक तो हमने उनको बना दी, दूसरे हम ही फैल जाओ। मैं कोशिश करता हूँ कि सेठ साहब का गुस्सा ठंडा हो जाए, फिर कोई बड़ी बात नहीं। अरे चन्ना भाई ये मत समझो मैं यहाँ आपसे पैसे लेने आया हूँ। अरे कोई बच्ची थोड़ी ही छू, इन पैसों का सेठ साहब को पता नहीं चलना चाहिए, आप समझ रहे हैं यहाँ? मेरा ख्याल है इस बच्चे की याददाश्त वापस आ गई है, अब हमें इसके अपनों को तलाश करना आसान होगा। इसका मतलब ये हुआ कि इसका नाम हुरेरा है। वो दोबारा क्यों बेहोश हो गया? डॉक्टर भी परेशान है, ये दोबारा बेहोशी सीरियस बात है। मुझसे उसकी ये हालत नहीं देखी जा सकती। ठीक हो जाएगा, भगवान पे भरोसा रखो। वो मुझसे छिन जाएगा। मेरा ख्याल है इस वक्त भगवान से कैलाश, मेरा मतलब है हुरेरा की सेहतयाबी के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। मैं उसे खोना नहीं चाहती। ये तो भगवान की मर्जी है, वो चाहे तो तुम्हें अपना बच्चा दे दे। कैलाश मुझसे अलग हो गया तो मैं टुकड़े टुकड़े हो जाऊंगी। कैसी बेवकूफ औरत हो तुम, वो तुम्हारा बच्चा नहीं है। मत कहो इस तरह, कैलाश मेरा बेटा है, मैंने अमरनाथ गारों में शीशनाग देवता से उसे मांगा है, मैं कैलाश को किसी को नहीं दूंगी। और ये हुरेरा हुरेरा पता नहीं बेहोशी में किसका नाम ले रहा हो। देखो पहलवान जी अभी तुम्हारी मर्जी है, जैसे भी हो तुम्हें उसको आराम करना है। जमुना भाई पहलवान पहले भी कभी फेल हुआ है क्या? देखो खर्चा बहुत हुआ है, पहलवान भी तो मुफ्त काम नहीं करता ना। देखो तुम उसे आराम करो, मैं तुम्हें खुश कर दूंगी।
मैं आपको क्या बताऊं कि कैसे अखबार वालों से जान छुड़ाई है मैंने। आपको तो मालूम है ऐसी खबर अखबार में लग जाए तो कितनी बदनामी होए। इंस्पेक्टर बांडे, आपको याद है जब आपके खिलाफ इंक्वायरी बनी थी? सेठ साहब वो बात मत करें, वो तो मुझे एसपी साहब को 10,000 रुपए देने पड़ गए थे। ठीक है आपने टेलीफोन किया था लेकिन आपके फोन पे काम नहीं हुआ था। मेरा मतलब इहसान जताना नहीं है। साहब वो अखबार वाला कह रहा था कि ये दोनों औरतें कश्मीर से अगवा होकर आई हैं। ये तो आप पर सीधा सीधा अगवा का केस बनता है। और क्योंकि आप जख्मी हैं और आपने डॉक्टर से भी झूठ बोला, आपके खिलाफ मजीद सबूत की जरूरत ही नहीं। आप पे मुझे पूरा विश्वास है कि आप मेरी इज्जत का ख्याल करेंगे। मैं तो कुछ भी नहीं कहता, परंतु अखबार वाले जलील के बच्चे को बड़ी मुश्किल से 20,000 रुपए पे राजी किया है। दे दूंगा, मैं दे दूंगा। रकम लेने शाम को आ जाऊं? ठीक है ठीक है। बड़े अफसरों का मुंह बंद करने के लिए भी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। जो मेरी मर्जी के बगैर एक कदम भी बाहर निकाला। आपका बच्चा होश में आ गया। बच्चा, बेटा। ये
हम पार्क में जाएंगे, हो सका तो एक आधी फिल्म भी मार लेंगे। डरना वरना नहीं, यहाँ कोई खतरा नहीं, मैं भी थोड़ी देर में आ जाऊंगा। भगवान के कर्मों से कैलाश अब बिल्कुल ठीक हो गए, अब हमें ज्यादा यहाँ से नहीं रखना चाहिए। पूरी तरह ठीक तो हो लेने दो, लेकिन मेरा ख्याल है जितना सज ये यहाँ रहेगा इसकी मोहब्बत हमारे दिलों में गहरी होती जाएगी और इसकी जुदाई हमारे लिए अजाब बन जाएगी। लाल प्लीज, इस वक्त मैं बहुत अच्छे मूड में हूँ, तभी तो ये बात कर रहा हूँ। तो अब क्या करना चाहिए? इसे कश्मीर भेज देता हूँ डॉक्टर अनिल के पास, मुझे यकीन है वो इसके अपनों को तलाश कर लेगा। कैसे सख्त दिल इंसान हैं आप, अकेले भेजेंगे मेरे जिगर के टुकड़े को? चलो मैं खुद ले जाऊंगा। मैं साथ चलूंगी और जब तक मैं मुतमईन नहीं होंगी मैं किसी के हवाले नहीं करूंगी। जा रहे हैं पता है ना अम्मी, हम कहाँ जा रहे हैं पता है ना, बोले ना अम्मी, बोले ना हम कहाँ जा रहे हैं अम्मी। बेटा आज मैं जिस बात आपको बताने जा रहा हूँ वो आपको रुला देगी, लेकिन आपका ये रोना अपने आप को पहचानने के लिए जिंदगी भर के कर्ब से अब जाए। पार्वती, पार्वती मुझे चक्कर आ रहे हैं। लाल, लाल, धनी राम, जल्दी आओ। क्या समझती है अपने आप को? मिस्टर अग्रवाल, तमाम टेस्टों के बाद बोर्ड ने यह फैसला किया है कि आपका फौरी तौर पर ऑपरेशन किया जाए। हालांकि दो डॉक्टरों का ख्याल था कि आपका ट्यूमर मजीद बढ़ेगा नहीं, लेकिन मैं जाती तौर पर सर्जरी के हक में हूँ। मुझे मालूम था, इसलिए मैंने अपने तमाम कागजात लंदन अपने एक डॉक्टर दोस्त के पास भिजवा दिए थे। आई थिंक वो भी किसी नतीजे पर नहीं पहुंचे। मेरा ख्याल है हमें फौरन लंदन जाना चाहिए। देखिए मिसेज अग्रवाल, इंडिया और लंदन के डॉक्टरों में कोई फर्क नहीं, फिर शायद आप वीजे के चक्करों में खामखा अपना वक्त जाया करेंगे। अगर ऑपरेशन कराना है तो फिर जल्दी करें, क्योंकि ये ट्यूमर बहुत जल्दी फैलता है। डॉक्टर की तलाश में है। कई दिन से आप लोग को देख रहा था और सोचता था कि आप लोग को इस कैसे निजात दिलाऊं। आपके साथ बम्बई चलो, इतवार को मैं
चले जाओ यहाँ से, तुम भी उसी के साथ ही लगते हो। ए, क्या बोलता है भगवान सोगन, अपन उन लोग को जानता तक नहीं है। अगर अपन उन लोग का साथी नहीं होता तो तुम्हारी मदद को क्यों आता बहन? हाँ अपन का बहन भी है उधर बॉम्बे में, अपन का माँ है, पत्नी है, बच्चे है, घबराने का बात नहीं है, चलो। ए, क्या सोचते बड़े, उन लोग का आदमी आ गया ना तो तुम्हारे साथ अपन को भी कत्ल कर देगा, चलो आओ आओ। हाँ डरने का बात नहीं है, चलो चलो। अरे काहे को डरते है, चलो चलो जल्दी चलो। किसी चीज का जरूरत हो तो अपन को जरूर बोलो, अपन ला देगा। क्या सबर थोड़ा लंबा है, घबराने की जरूरत नहीं है, अपन बहन अपन को अपना समझो, गैर नहीं है, घबराने का जरूरत नहीं है, सब ठीक होगा। पार्वती मैं जिंदा रहूं ना रहूं, मेरी बहुत बड़ी ख्वाहिश होगी कि तुम इस बच्चे को इसके अपनों तक पहुंचाओ। तुम लाख इसे कैलाश बनाने की कोशिश करो, ये हुरैरा ही रहेगा। इसको अपनाने के चक्कर में तुम इसके अपनों को अजाब में तो डालोगी ही, खुद भी बड़ी कमजोर हो जाओगी। तो कौन आया? अपन का बहू लाया। अरे क्या बात करते हैं अम्मा, ये दोनों उधर किसी की कैद में था, अपन इनको उधर से आजाद करा के लाया। तेरे को ऐसा करना है कि इनको इधर जुगे में बिठा चाय वाय पिला, अपन उधर गुरु से मिल के आता है। पहले माँ से मिल फिर गुरु से मिल। अरे क्या बोलते हैं अम्मा, तेरे से मिल के क्या करना है अपन को? हाँ अपन को गुरु से मिलने देना है, तुम लोग इधर बैठो अपन आता। बिटिया परेशान है, काम ना कर, अपन तेरे को जान की मापिक रखेगा। नाम क्या रहा? भारद्वाज। भारद्वाज ने सब सिखा, राम रूप में विस्माए ऐसा जय लिखा। क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो?
क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो मेरे साथ? खुदा के लिए मुझे छोड़ दो। क्या कर रहे हो? छोड़ दो मुझे। भगवान, मैं तेरे साथ क्या वो वचन पूरा नहीं कर सकती। मैं कहां जाऊंगी? अब तो ये बच्चा ही मेरा सहारा है। तूने लाल को भी उठा लिया। मैं अकेली औरत कहां ढूंढूंगी? इसके अपनों को कहां तलाश करूंगी? मुझे क्षमा कर भगवान। ठीक मालूम पड़ता है। जलील इंसान, ये तुमने क्या किया मेरे साथ? क्यों किया? वरुण, अपुन इसका प्रेमर बिल्कुल नहीं था। पर अपुन का क्या है कि वो गुरुल हो गया ना, वो बोला तेरे को ऐसा लोग बीक नहीं देने का, बस इसी खातिर तेरा ये हड्डी बड़ी तोड़ दिया। मुझे मार क्यों नहीं देते? काय को कम करता है, काय को कम करता है। थोड़े दिनों बाद ये हड्डी बड़ी जुड़ जाएगा एकदम। पहला कमा पे ठीक था मेरी बच्ची का। वो क्या है कि इधर इस बात से नहीं लाया तेरे को, इस साल में देखेगा तो उसका दिल दुखेगा। बहन समझने की कोशिश करो। मत कहो मुझे बहन बेगैरत इंसान। अपुन को गाली मत देना। अपुन का नाम जानू है, जानू। अपुन तेरे को उन जलील लोग का चुंबन से छुड़ा के लाया, तो अपुन को गाली देते हैं? अगर उन जलील लोग के पास वापस जाने तेरे को तो जाओ जाओ। अपुन को कोई नहीं। अगर इधर नहीं तो तेरे को भीख मांगना पड़ेगा। हाँ, तेरे को भीख मांगना पड़ेगा, भीख मांगना पड़ेगा। जालू को अब कोई तेरे से मतलब थोड़ी है। अरे देखना, कुछ दिनों के बाद तेरे को तेरी अम्मा की तरह भीख मांगने पे लगा देगा। अब तुझे खुद की टांगे तोड़वानी है तो रहो उसके पास। अरे अपन तेरे को कई बार बोला, सिर्फ सिर्फ अपनी बेटी का सोच, क्या उसको भी है जालू है? तेरे को पता है मोमल, अगर अपन तेरे साथ चली तो जालू सारा जोर मेरी बूढ़ी माँ पे निकालेगा। मालूम, मेरे को मालूम, अम्मा को साथ लेके चलेंगे। पर अपुन जालू से भाग के जाने का कहा? जहाँ भी जाएगा जालू ढूंढ निकालने का। हाँ, मतलब ये कि अपन तेरे को अच्छा नहीं लगता? ये बात ना ही मोमल, तेरे को जालू से बात करने का। अरे जालू रोकड़ा मांगे तो अपन किधर से देगा? रे तेरे को बात करने का क्या है रे? कहा मालूम तेरे मरे बाप का लिहाज कर जाए। अरे तेरे को पता नहीं है, जालू बहुत आसान परामोश आदमी है। वो अपुन के बाप का क्या, खुद के बाप की परवाह नहीं करता।
अपुन को अपनी बेटी और माँ की जिंदगी खराब करने का ना आई। हाँ ठीक ठीक, अपुन भी तेरे बिना मरने का ना आई। क्या तुम्हें कोई लड़की पसंद नहीं आती? मामा मुझे एक अंग्रेज लड़की अच्छी लगी थी, बड़ी अच्छी घुड़सवार थी, लेकिन शादी का इरादा ना उसका था और ना मेरा था। कुशला बहुत अच्छी लड़की है। मामा क्या बात कर रही हैं आप, बहुत इमेच्योर है। देखो जगदीश हर मुश्किल में हमारे काम आया है। नॉट माई कप ऑफ टी। जो मर्जी में आया वही करने का। कान खोल कर सुन ले, कल को अपन को जरा सा भी शक हुआ ना तो अपन तेरा हाथ पांव तोड़ के रख देगा। जानू नाम है अपन का, जवान कैंची करके रख देगा तेरा। जवान के लिए तो फौरन राजी हो गया था, पैसा मिला था ना तब। जॉन ने एकदम रोका दिया अपन को, रोका। ये देखा ये साला कंगला बड़ा गुरु का बेटा बना फिरता है। आपका डिपार्टमेंट है दीदी। जगदीश तुम कभी मेरा साथ नहीं देते। जिसका बेटा उसका जिम्मा। देखो कैलाश, एक मेरी बहुत बड़ी ख्वाहिश है और ये तुमने जरूर पूरी करना है। अब तुम वतन वापस आ गए हो, बैरिस्टर बन गए हो, बड़े आदमी बन गए हो, तुमने मेरे साथ शीशनाग की जियारत पर जरूर चलना है। प्लीज, ये मेरी बहुत बड़ी ख्वाहिश है। अम्मी मैं ये रिलीजन वेलीजन पे बिलीव नहीं करता। आपको पता है कि मेरा कायनात के बारे में एक खास कॉन्सेप्ट है, मेरा एक अपना तस्वर है। मैं समझता हूँ कि चीजें जीरो से शुरू हो सकती हैं और ये सब कुछ बनाने के लिए किसी भगवान की जरूरत नहीं थी। देखें भाई, फिर वही बातें कर रहा है। भगवान के वजूद से इनकार करना अपने वजूद से इनकार करना है। अम्मी मुझे पता है कि आप बहुत मजहबी हैं और भगवान की सच्चाई पे पक्का यकीन रखती हैं, लेकिन मुझे थोड़ा सा इख्तलाफ। दुनिया में कोई शख्स, कोई चीज, कोई नाचीज ऐसी है जिससे आपको इख्तलाफ ना हो? भाई मैं वकील हूँ और वो भी महंगे वाला। देखो दीदी, सारे काम वक्त के साथ हो जाते हैं और ये भी हो जाएगा। वैसे भी कश्मीर के हालात आजकल ठीक नहीं है, किसी मुनासिब वक्त का इंतजार करो। सच्ची बात है, मैंने एक ख्वाब देखा है और उस ख्वाब में अमरनाथ गारों के पास कैलाश को कोई आवाज दे रहा है। इसे मेरे साथ जाना पड़ेगा। अम्मी आप भी पढ़ लिख के कैसी अजीब बातें करती हैं। ख्वाब शऊर और लाशऊर की रियलाइजेशन या कंपाइलेशन का नाम, ये कोई भगवान का हुक्म नहीं है। कैलाश प्लीज, तुमने मेरे साथ चलना है, ये मेरी बहुत बड़ी ख्वाहिश है। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। साहब जी आपका फोन है। किसका फोन है? कोई नारी अपना नाम ही बता रही। ओके गिव मी अ ब्रेक। बात सुने, आपने उस लड़के को क्यों बिठाया? वो तो मेरे साथ है। क्यों, तुम्हारे साथ आतंकवादी नहीं हो सकता? वो कोई आतंकवादी मतंगवादी नहीं है। Don't tell me what to do, okay? सुने, मेरा नाम बिसाल इंद्राबी है और मैं सलाम इंद्राबी की बेटी हूँ। मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ और ये भी जानता हूँ कि तुम्हारे और तुम्हारे बाप के रास्ते अलग अलग है। तो ठीक है।